नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में चल रही सीटों के खटपट के बीच अब कांग्रेस ने अपना फायदा तलाशना शुरू कर दिया है। आप जानते हैं कि जीतनराम मांझी पहले ही महागठबंधन से अलग हो चुके हैं और वैसे में उपेंद्र कुशवाहा और सहनी के असमंजस की स्थिति के बीच कांग्रेस अपने सीटों की महत्वाकांक्षा को बढ़ाने लगी है और यही कारण है कि कांग्रेस अब बिछौना बिछाने लगी है, चादर फैलाने लगी है। सीटों को लेकर के पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है या कितनी सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, कितनी सीटें उसके हाथ लग सकती हैं। दरअसल महागठबंधन में कांग्रेस अब राजद के बाद सबसे अच्छी स्थिति में है। जीतनराम मांझी के निकल जाने और उपेंद्र कुशवाहा और मदन सहनी के असमंजस की वजह से कांग्रेस को कुछ अधिक पाने की संभावना दिख रही है, लिहाजा पार्टी ने अपनी चादर फैलानी शुरू कर दी है। कांग्रेस के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव कुछ अधिक ही महत्वपूर्ण है। पिछले कई चुनावों के बाद 2015 में सम्मानजनक जीत मिली थी, इस बार उससे आगे बढ़ने के मौके खोजे जा रहे हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक नई टीम जोश के साथ बल्लेबाजी कर रही है। आखिरकार संभावनाओं की जमीन को उपजाऊ देख भला कांग्रेस अपने पांव फैलाने से क्यों गुरेज करे। 2015 में 27 सीटों पर जीत मिली थी, उन सीटों पर फिर से उतरना पक्का है। इसके अलावा संभावना वाली कुछ अन्य सीटों पर भी लड़ने की तैयारी है। पार्टी के स्थानीय नेता वहां जीतने का दमखम भर रहे हैं। हालांकि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने के पहले सीट बंटवारे का इंतजार कर लेना चाहता है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई का नेतृत्व करने वाले नेता मानते हैं कि 2015 के चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा रही जदयू और इसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बाहर होने से कांग्रेस के लिए संभावनाएं बढ़ी हैं। पिछले चुनाव की ही तरह इस बार 101, 101 और 41 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। राष्ट्रीय दल होने के नाते कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलनी तय हैं। इस प्रकार के दावे करने वाले नेता भी सीटों को लेकर एक मत नहीं है। कोई 80 सीट मिलने के दावे कर रहा है तो कोई ये मानता है कि कांग्रेस को इस बार चुनाव में कम से कम 65 सीटों पर जोर आजमाइश का मौका मिल सकता है। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि प्रदेश कांग्रेस को लीड करने वाले नेताओं ने पटना शहरी क्षेत्र की 2 सीटों कुम्हरार और बांकीपुर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी कदम जमाने का फैसला किया है। पटना के अलावा भागलपुर में पिछले चुनाव जीत गई सीट भागलपुर और कहलगांव के साथ ही सुल्तानगंज और नाथनगर पर भी दावा करने का पार्टी मन बना रही है। तर्क है कि दोनों नए क्षेत्र अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्र हैं, जहां से कांग्रेस सहजता से जीत सकती है। इससे महागठबंधन की ताकत बढ़ेगी। इसके अलावा कटिहार में 1 की बजाय 2 सीट, रोहतास में चिनारी के अलावा काराकाट, इधर बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर के साथ ही अरवल की 2 सीटों पर भी पार्टी दावा करने का मसौदा तैयार कर चुकी है। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बिहार चुनाव में महागठबंधन में असमंजस की स्थिति के बीच कांग्रेस अपना फायदा तलाशना शुरू कर रही है और यही कारण है कि कांग्रेस ने अधिक से अधिक सीटों पर दावा किया है। जो सीटें पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी उन सीटों पर तो उतारना पक्का है ही, इसके अलावा कांग्रेस और भी सीटों पर अपना दमखम दिखाने जा रही है। कांग्रेस बिछौना बिछाने जा रही है, कांग्रेस चादर फैलाने जा रही है। संभावनाओं और महत्वाकांक्षाओं की वजह से कांग्रेस अब सीटों की लालच बढ़ा रही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।